नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार पुलिस ने चोरी का 3.5 लाख रुपया बरामद किया। जी हाँ, बिहार के मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र में चोरी की गई मामले में बिहार पुलिस ने चोरी कांड का खुलासा करते हुए चोरी हुए 3,50,000 रुपया बरामद कर लिया है। इस न्यूज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें एक चौकीदार है जो कि सफिया सराय थाना में प्रतिनियुक्त वहां पे ड्यूटी करते हैं। उनके परिवार में कोई शादी होना था तो उसके लिए उन्होंने बैंक से करीब 4-4.5 लाख रुपया निकाला था 24 तारीख को, और एक जगह पे कुछ रुपया जमा भी किया था। उसके उपरांत वो अपनी ड्यूटी पे जब आए तो ड्यूटी पे आने के बाद अपना झोला सफिया सराय थाना के बाहर ही उन्होंने रख दिया, और रखने के उपरांत जो है उस झोले में से, क्योंकि कोई कुछ लोग उनका बैंक से ही पीछा कर रहे थे और सफिया सराय थाना के बाहर जहां उनका झोला रखा हुआ था वहीं पे वो झोला उठा के वो लोग फरार हो गए। इसमें हम लोगों ने अनुसंधान किया, इसमें सीसीटीवी फुटेज आया। जो व्यक्ति इसमें आइडेंटिफाई हुआ वो कटिहार जिला का कोढ़ा गांव का पहचान हुई उसकी। हमारी टीम जो है वो कटिहार गई, वहां पे में जहां पे इसका घर था वहां पे रेड छापामारी हुई। छापामारी के क्रम में जो है करीबन 3.5 लाख रुपया बरामद हुआ है और अभियुक्त फरार हो गया वहां से, परंतु जो पैसा उसने यहां से छीना था वो पूरा पैसा 3.5 लाख रुपया के आसपास बरामद हो गया।